हेलो दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन है वो सेशन है क्लास 12th के मैट्रिक्स का। यानी पिछले दिन हम मैट्रिक्स एक्सरसाइज के 3.1 का यानी तीन क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो हमने तीन क्वेश्चन किया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो लाइव नहीं आए हैं फटाफट लाइव आ जाइए। अभी तक जो लाइव नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक 2×2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स की बात किया जाए तो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स यही दो रॉ होगा और दो कॉलम होगा, यानी दो रॉ होगा और दो कॉलम होगा। ठीक है, दो रॉ होगा और दो कॉलम होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, A11 का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम A11 का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए A11 का कैसे वैल्यू निकालते हैं, यानी I के जगह पे 1 रखेंगे और J के जगह पे 1 रखेंगे, यानी I के जगह पे भी 1 रखेंगे, J के जगह पे भी 1 रखेंगे। तो 1 प्लस 1 2 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब 4/2 कितना हो जाएगा, 2, यानी A11 का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। A11 का वैल्यू 2 निकल गया। अब बात करते हैं A12 की वैल्यू, यानी I के जगह पे 1 रखेंगे और J के जगह पे 2 रखेंगे, यानी I के जगह पे 1 रखेंगे, J के जगह पर 2 रखेंगे। तो 1 प्लस 2 यानी 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब बटे कितना है, 2, यानी 9/2। A12 का वैल्यू कितना निकल गया, 9/2 निकल गया, यानी 9/2 निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं A21 की वैल्यू देखते हैं। A21 की वैल्यू यानी A21 यानी I का मान क्या है, 2 है और J का मान कितना है, 1 है, यानी I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे, यानी 2 प्लस 1 यानी 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और बटे कितना है, 2। A21 का वैल्यू कितना निकल गया, 9/2। अब A22 का देखते हैं, यानी I के जगह पे 2 रखेंगे और J के जगह पे भी 2 रखेंगे। तो I के जगह पे भी 2 रखें और J के जगह पे भी 2 रखेंगे, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 4 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16, 16/2 कितना हो जाएगा, 8, यानी आंसर आ गया 8। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेम 4 है कि ए बराबर यानी 2×2 का बात कर रहा है, 11, 12, 21 और 22। तो हम क्या करेंगे, यानी इसमें दिया है ए आई जे बराबर आई बटे जे,
ठीक है, आई बटे जे। तो इसमें से पहले ए 11 का वैल्यू निकालना है, तो आई का भी मान 1 रखेंगे, जे का भी मान 1 रखेंगे, तो आई बटे जे यानी आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 बटे 1 कितना हो जाएगा, यानी 1 बटे 1 1 ही हो जाएगा, यानी 1 ही हो जाएगा। अगर ए 12 की बात करें तो ए 12 यानी आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो 1 बटे 2 कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 ही हो जाएगा, यानी ए 12 का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटे 2। अब ए 21 की बात करते हैं, यानी आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 बटे 1 यानी 2। फिर ए 22 आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे, यानी आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, यानी 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यानी आई ए आई जे बराबर आई बटे जे दिया हुआ है, यानी पहला वाला जो होता है जैसे ए 11 है, यानी पहला 1 जो है वो आई होगा, दूसरा 1 जो होगा वो जे होगा। यानी जैसे ए 12 है, जैसे कि मान के चलिए ए 12 है, यानी ये आई का मान होगा और ये जे का मान होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें भी वही कह रहा है, यानी 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, जैसे ए बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आई जे यानी ए आई जे बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 + 2 × 1 यानी 2, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3, 3² / 2 यानी 9/2 आ गया। ठीक है, ए 11 का वैल्यू आ गया, 9/2 आ गया। अब ए 21 की बात करते हैं, तो ए 12 की बात करते हैं, तो आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो 1 + 2 × j यानी 2 × 2, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, 5² 25, 25/2, 25/2। अब ए 21 की बात करते हैं, तो आई की जगह पे 2 रखना है, जे की जगह पे 1 रखना है, यानी आई की जगह पे जे रखना है, सॉरी आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो आई की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट कर दिए, प्लस फिर 2 × j यानी j की जगह पे 1 पुट करना है, तो 2 × 1 2 × 1, तो 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 4² 16, 16/2 8। ठीक है, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए 22 का वैल्यू निकालने के लिए, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, यानी आई की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 2 ही होगा, फिर प्लस और जे की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 × 6² यानी 36/2 कितना हो जाएगा, 18, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये आपका ए 11 का मान निकला, ये आपका ए 12 का मान निकला, ये 21 का मान निकला, ए 22 का मान निकला, यही आपका 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्या, एक 3×4 अभियोग की रचना कीजिए जिसके अभियव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हुए हैं, यानी जिसके अभियव जो है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनके अभियव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हुए हैं, तो हमको ये बताइए 3×4 को कह रहा है, तो 3×4 का अभियव कितना हो जाएगा, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, 3 हो गया रॉ, अब 4 का मतलब हुआ 4 कॉलम, 1 2 3 4,
ये चार हो गया कॉलम, क्या हो गया चार हो गया कॉलम, ठीक है। आइए तो पहले हम क्या करते हैं, ए ग्यारह का मान निकालते हैं। तो ए ग्यारह का मान निकालेंगे यानी आई की जगह पे वन रखेंगे, जे की जगह पे वन रखेंगे तो हाफ का हाफ दे देंगे। और पहले हम सीखते हैं प्यारे साथियों कि मोड का मतलब क्या होता है, यानी माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स अगर मोड के अंदर हो, यानी माइनस एक्स अगर मोड के अंदर हो माइनस एक्स, तो बाहर कितना हो जाएगा प्लस एक्स। अब मोड के अंदर प्लस एक्स भी रहेगा तो बाहर प्लस एक्स ही होगा, ये मोड का क्या है प्रॉपर्टीज है। यानी मोड के अंदर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मोड के बाहर प्लस ही होगा, ठीक है। अब ए आई जे, यानी आई का वैल्यू वन है, जे का वैल्यू वन है, तो हाफ माइनस थ्री इंटू आई है तो थ्री इंटू वन यानी माइनस थ्री, अब प्लस जे की जगह पे वन रखेंगे यानी वन, तो माइनस तीन में से वन को घटाएंगे तो माइनस दो बचेगा और माइनस दो मोड से बाहर निकलेगा। प्यारे साथियों अभी तुरंत हम बताएं कि माइनस कोई भी मोड के अंदर रहे, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मोड के बाहर प्लस ही होगा। तो मोड के बाहर प्लस दो होगा, दो बटे दो कट के कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा वन, यानी ए ग्यारह का मान कितना आ गया वन आ गया, ठीक है। तो ए ग्यारह का मान हमने निकाल लिया। ए बारह का वैल्यू देखते हैं अब, तो ए बारह का वैल्यू कितना निकलेगा, यानी आई की जगह पे वन रखेंगे और जे की जगह पे दो रखेंगे, यानी आई की जगह पे वन रखते हैं तो माइनस तीन गुना वन, और प्लस जे की जगह पे कितना रखेंगे दो रखेंगे, ठीक है। जे की जगह पे क्या रखेंगे दो रखेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस तीन गुना वन यानी माइनस तीन और प्लस दो, तो माइनस तीन में से प्लस दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस वन। और अभी बताए थे कि मोड में अगर माइनस रहे तो बाहर कितना हो जाएगा प्लस बटे टू। अब ए तेरह का मान निकालते हैं, यानी आई की जगह पे वन रखेंगे, जे की जगह पे तीन रखेंगे, माइनस तीन गुना वन माइनस तीन प्लस जे की जगह पे तीन रखेंगे, तो माइनस तीन गुना वन माइनस तीन प्लस थ्री, तो तीन में से तीन जाएगा जीरो, जीरो बटे दो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ए फोर्टीन का मान निकालते हैं, यानी आई की जगह पे वन रखेंगे, जे की जगह पे फोर रखेंगे, तो माइनस तीन गुना वन यानी माइनस तीन प्लस जे की जगह कितना रखेंगे फोर रखेंगे, तो माइनस तीन प्लस फोर कितना हो जाएगा वन, और मोड के अंदर वन है तो बाहर निकलेगा वन ही होगा, तो वन बटे टू कितना हो जाएगा वन बटे टू। फिर ए ट्वेंटी वन इसी प्रकार निकालेंगे, यानी आई की जगह पे वन रखेंगे, जे की जगह पे आई की जगह पे टू रखेंगे, जे की जगह पे वन रखेंगे, तो आई की जगह पे टू रखेंगे तो माइनस तीन गुना दो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, और प्लस वन यानी माइनस फाइव, और मोड के अंदर अगर माइनस रहे तो बाहर कितना हो जाएगा प्लस फाइव बटे टू। फिर ए ट्वेंटी टू का बात करते हैं, तो ए ट्वेंटी टू का बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू हाफ माइनस थ्री आई प्लस जे का मोड, ठीक है। तो हम निकालते हैं ए बाईस का मान, यानी ए का मान आई का भी मान वन रखेंगे और जे का भी मान आई का मान टू रखेंगे और जे का मान भी टू रखेंगे, तो कितना हो जाएगा यानी माइनस थ्री इंटू टू यानी माइनस सिक्स, और जे की जगह पे दो रखेंगे तो प्लस दो, यानी माइनस सिक्स में से प्लस दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस फोर होगा, और माइनस फोर मोड के अंदर है बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा ये फोर हो जाएगा, और बटे टू, बटे टू यानी टू, ठीक है। अब वही पार्ट है, यानी ए ट्वेंटी वन का वैल्यू ए ट्वेंटी टू तक निकाले थे, आप कितना निकालेंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो ए ट्वेंटी थ्री निकालना है, यानी आई का वैल्यू दो रखना है, जे का वैल्यू थ्री रखना है,
तो आई की जगह पे जब दो रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी -6। अब प्लस जे की जगह पर 3 रखेंगे तो -6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 बचेगा, और मोड के अंदर -3 तो बाहर कितना हो जाएगा, +3/2। अब A24 निकालते हैं, यानी आई का वैल्यू कितना है, 2 है, और जे का वैल्यू 4 है। आई का वैल्यू 2 रखेंगे तो -3 × 2 -6, अब +4, यानी -6 + 4 यानी -2। अब -2 मोड के अंदर है और बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, यानी 2 2 कट के कितना हो जाएगा, 1। अब A31 का वैल्यू निकालते हैं, यानी आई का मान 3 है, जे का मान 2 है, आई का मान 3 रखेंगे तो -3 × 3 कितना हो जाएगा, यानी 9, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो -9 अब +2 कितना हो जाएगा, -9 + 2 - 7। अब -7 है तो कितना हो जाएगा, +7 अब / 2। उसी प्रकार A33 निकालेंगे और उसी प्रकार A34 निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी A11 का मान, 12 का मान, 13 का मान और 14 का मान, A21, A22, A23, A24 का मान, ये कि अब 31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा, यानी पूरे हमने कंप्लीट अवयव यानी एलिमेंट का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन वही पार्ट है, यानी क्वेश्चन का वही पार्ट है, यानी ए बराबर 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33 और 34। तो पुनः हम निकालेंगे, पुनः हम A11 का मान निकालेंगे तो I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, अब -1 यानी 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी हमने A11 का मान निकाल लिया, यानी हमने A11 का मान कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं A12 का मान, यानी I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 2 रखेंगे, यानी 2 × 1 = 2 माइनस, और J की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, अब -2 यानी 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब A13 का मान निकालेंगे, यानी I की जगह पे 1 रखेंगे, I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 3 रखेंगे, यानी I की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, अब -3 यानी 2 में से 3 घटेगा, -1 हो जाएगा। फिर A14 की बात करेंगे तो I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 4 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 - 4 यानी 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A21 की बात करते हैं तो I की जगह पे 2 रखते हैं, J की जगह पे 1 रखते हैं तो I की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 ठीक, अब -2 यानी 2 × 2 - 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आई की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और जे की जगह पे 3 रखेंगे, फिर 24, 20, 31, 32, 33, 34 इसी प्रकार जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, सारा वैल्यू इतना आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है तो अपने अपने जगह पर, यानी A11 का इक्वल हो जाएगा, A12 का इक्वल हो जाएगा, A21 का इक्वल हो जाएगा, A22 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तो Y बराबर कितना हो जाएगा, 4, X बराबर कितना हो जाएगा,
वन, और जेड बराबर कितना हो जाएगा, थ्री, यही हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स होगा और जेड, फाइव प्लस जेड बराबर फाइव होगा, तो फाइव प्लस जेड बराबर फाइव है, तो इधर फाइव प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी जेड का वैल्यू जीरो निकल जाएगा। ठीक है, जेड का वैल्यू कितना निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा। और इसी में एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, आठ हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, सिक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई बराबर एट है, एक्स वाई बराबर एट है, और एक्स का मान हमको मालूम है कितना, यानी सिक्स माइनस वाई, तो पुट कर देंगे सिक्स माइनस वाई बराबर एट, यानी सिक्स इंटू वाई, सिक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, सिक्स बराबर आठ, और यू वाई स्क्वायर इधर माइनस में इधर आके प्लस में, सिक्स वाई इधर प्लस में इधर आके माइनस में प्लस आठ, तो इधर है, ये है बराबर जीरो। इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए आठ को, तो कितना हो जाएगा, चार दुनिया आठ, यानी माइनस चार माइनस दो वाई, तो वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से वाई माइनस फोर, यहाँ से माइनस दो कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, वाई माइनस फोर, फिर वाई माइनस फोर कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस टू, तो एक बार वाई माइनस टू बराबर जीरो तो वाई बराबर दो, एक बार एक्स वाई माइनस फोर बराबर जीरो तो वाई बराबर फोर, और जब एक्स बराबर, जब वाई बराबर फोर हो, जब इस इक्वेशन में वाई का मान फोर रखेंगे प्यारे साथियों, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, दो, एक्स का मान कितना निकलेगा, दो। और जब इस क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन में वाई का मान दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान चार हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं, ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नाइन, ये इसके बराबर होगा, यानी एक्स प्लस जेड बराबर फाइव, और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी वाई प्लस जेड बराबर कितना, सेवन। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नाइन है, और जेड प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, सेवन। तो हमने क्या किया, इसका मान अगर रख दिया सेवन, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, नाइन माइनस सेवन, तो कितना निकल जाएगा, एक्स का मान दो निकल जाएगा। उसी प्रकार फिर से अगर हम बात किया जाए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नाइन है, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस जेड प्लस वाई बराबर नाइन, और एक्स प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, फाइव, तो फाइव अगर पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, नाइन माइनस फाइव यानी फोर। फिर से वाई प्लस जेड बराबर सेवन दिया हुआ है, और यहाँ से हमने वाई का वैल्यू फोर निकाल लिया, तो वाई की जगह पे पुट कर देंगे फोर, तो जेड का वैल्यू कितना निकल जाएगा, थ्री, यानी एक्स का वैल्यू दो निकल गया, वाई का वैल्यू फोर निकल गया, और जेड का वैल्यू कितना निकल गया, थ्री निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सात, ए माइनस बी बराबर माइनस वन हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो इससे हम क्या करते हैं, ए और बी का पहले मान निकाल लेते हैं। तो ए और बी का जैसे आप टेंथ में पढ़े होंगे, लुप्तीकरण विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, यानी ये माइनस है तो प्लस, आई प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों ही दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ए में से माइनस टू ए जाएगा तो माइनस ए, और फिर माइनस वन, तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा। अब ए का वैल्यू वन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में फुट कर देंगे, तो जब इक्वेशन ए में फुट करेंगे, ए का वैल्यू वन माइनस बी बराबर वन, तो इधर माइनस में वन है तो इधर आके प्लस वन होगा, और माइनस बी है इधर आके प्लस बी हो जाएगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, दो निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ बात करेंगे, टू ए प्लस सी बराबर फाइव, और थ्री सी प्लस डी बराबर थर्टीन, तो थ्री सी प्लस डी बराबर कितना है, थर्टीन है, और हमने थ्री प्लस सी बराबर थर्टीन हो गया एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन टू ए प्लस सी बराबर फाइव, तो टू ए प्लस सी बराबर फाइव, टू ए प्लस सी बराबर फाइव, हम ए का वैल्यू कितना निकाले, वन निकाल लिए, तो ए का वैल्यू वन पुट करेंगे तो टू इंटू वन टू होता है,
प्लस सी बराबर फाइव, इधर टू प्लस में है तो इधर आके कितने हो जाएगा माइनस में, तो सी का वैल्यू कितना निकल गया थ्री। यही सी का वैल्यू क्या करते हैं थ्री इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो तीन इंटू तीन नाइन हो जाएगा प्लस डी बराबर थर्टीन, और इधर प्लस नाइन है इधर आके माइनस नाइन हो जाएगा, यानी तेरह में से नौ जाएगा कितना बचेगा फोर बचेगा। तो हमने सारा ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ कहता है ए बराबर ए आई जे एम इन टू एन एक वर्ग अवयव है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे साथियों, तो पहले तो हम ये जाने कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या यानी जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या समान होती है उसे ही हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एम अगर डिनोट करता है तो वो रॉ को डिनोट कर रहा है, और एन अगर डिनोट करता है तो कॉलम को डिनोट कर रहा है, यानी दोनों रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या जब बराबर हो जाए तभी हम कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर एग्जांपल ले तो ए बराबर टू थ्री फोर फाइव, इसमें दो रॉ है और इसमें दो कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है क्या, एक्स वाई के प्रदत्त किसी किन मानों के लिए अवयव की निम्नलिखित युग्म समान है, यानी एक एक्स प्लस सेवन थ्री एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस सेवन बटे थ्री, और एक बार टू माइनस थ्री एक्स बराबर फोर है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, यानी 4 इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस टू बराबर थ्री एक्स, और x बराबर हो जाएगा माइनस टू बटी थ्री। यहाँ सेम मैट्रिक्स में x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, दो दो आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है। थ्री इंटू थ्री कोटि के से अभ्यू की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ जीरो या वन होगी, इसका आंसर कितना हो जाएगा 512। हम इसको फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन में इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे आया। ठीक है, अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा 512। चलिए, धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन हम एक्सरसाइज 3.2 लेके आएंगे और इसको देखें, पुनः बार बार देखें, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम इस पर कोशिश करेंगे कि आपको बताया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने भाई बहन को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन हब पर क्लास 12th की पढ़ाई हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें ताकि इस पढ़ाई का लाभ उठा सके। धन्यवाद।